अपना अपना आसन करना है, आसन के साथ प्राणायाम करना है, प्राणायाम के साथ ध्यान करना है। थोड़ी देर ध्यान के साथ प्राणायाम करने का तात्पर्य क्या होता है इसको थोड़ा समझा देते, बता देते। देखो ऐसे थोड़ी देर प्राणायाम कर लो, फिर प्राणायाम अभी तो सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ के करेंगे। ऐसे सामान्य मध्यम गति, तीव्र गति, ऐसे पूरा लेना, पूरा छोड़ना। मैं तो कहता हूं बार बार आपसे 99% बेनिफिट आपको केवल प्राणायाम और ओंकार ध्यान से हो जाता। मेरे साथ बोलो, प्राणायाम का तप, ओंकार का जप। ये प्राणायाम का तप और प्रणव का जप, ये योग के दो बड़े साधन हैं। अब मैं दो दो तत्वों की बात करता हुआ इस योग तत्व को, जो मूर्त पर, अमूर्त पर, दृष्ट पर, अदृष्ट पर, व्यक्त पर, अव्यक्त पर, जात पर, अज्ञात पर, विजिबल पर, इनविजिबल पर, एक साथ ये योग तत्व कार्य करता है।